पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बुधवार को शारदीय नवरात्र के चलते मंदिरों से लेकर घरों में मां के जयकारे गूंजे। मंदिर और घरों में अनवरत मां की ज्योति जल रही है। श्रद्धालुओं ने उपासना करके उपवास रखा, मंदिरों में मां के दर्शन करके माथा टेका, घर और मंदिर में हवन करके सुख समृद्धि को लेकर कामना की। क्या नाम है आपका? कांता गौतम। आज कहाँ पर है, क्या कार्यक्रम का आयोजन? ये दिव्य लोक आश्रम में हम लोग, यहाँ पे मंदिर है और इससे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग पास में ही रहते हैं, तो सारा ही रोजाना ही कीर्तन चलता है। तो हम लोगों ने एक आशियाना परिवार बना रखा है, तो उस नाम से हम लोग यहाँ पे डेली कीर्तन करते हैं खूब भक्ति भाव से। क्या कहना चाहेंगे भक्तों के लिए? भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भक्त लोग यहाँ पे जितने भी हैं, जितने भी श्रद्धा से आते हैं, जितने भी इस समय हैं, वो सब लोग भक्ति भाव से आते रहते हैं और सब भक्ति भाव रखते हैं आश्रम से भी और मंदिर से भी। मधु चौधरी। क्या कहना चाहेंगे इस मौके? मैं ये कह रही हूँ, आज 8 दिन हो गए हैं, पता ही नहीं चलती टाइम का कैसे निकल गया। 3 बजे शुरू करते हैं हम और 7 बजे तक होता है। महिलाएं सारा डांस करती हैं, गाने गाती हैं, पता ही नहीं चलती कब टाइम निकल गया हमें। हाँ, संपूर्ण बहुत ज़्यादा पूजा पाठ है। हाँ, पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।